नमस्कार, गोस्वामी सर साउथसाइड ट्यूशन क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हमारे बीच नेहल कुमार श्रीवास्तव है, जो ऑल ओवर इंडिया में सातवां स्थान और पूरे छत्तीसगढ़ में पहला स्थान आप इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2021 में लाया हुआ है, जिससे हम जानते हैं कि कैसे उन्होंने प्रिपरेशन किया और क्या उनकी स्ट्रेटजी रही है इस रैंक को हासिल करने में। तो नेहा श्रीवास्तव, आप कैसे फील कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ, पास हो जाऊंगा इसकी तो पूरी उम्मीद थी, पर टॉप आ जाऊंगा ऐसा सोचा नहीं। ओके, तो नेहा, आपको कब से लगा कि सैनिक स्कूल एग्जाम का तैयारी करना है और आपने कहां से और कैसे तैयारी की? मैं गोस्वामी सर साउथसाइड ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन किया और मैं पिछले एक साल से तैयारी कर रहा हूं। ओके, तो आपने अभी कहा गोस्वामी सर साउथसाइड ट्यूशन क्लास से तैयारी कर रहा हूं, तो बताइए इस ट्यूशन में क्या पढ़ाया जाता है, कैसे तैयारी कराया जाता है? इस ट्यूशन में हम लोग आते हैं तो हम लोग को पहले तो उसके पिछले दिन वाला सारा रिवाइज कराते हैं, फिर एकदम इन झिझक के कोई भी बच्चा कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है और ऐसा पॉजिटिव माहौल रहता है ट्यूशन। ओके, तो आप जब ट्यूशन जाते थे तो वहाँ पर क्या मॉक टेस्ट होता था, क्या और अदर एक्टिविटीज होता था, कितने घंटे का क्लास होता था? गोस्वामी सर साउथसाइड ट्यूशन क्लासेस में हम लोगों ने 15-30 मॉक टेस्ट बनाए होंगे और हम लोग 3-4 आवर्स पढ़ते थे और साथ ही साथ हम लोग को रेस्ट भी दिया जाता था 10 मिनट्स का, जिसमें हम लोग मस्ती करते थे। ओके, पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी चलता था। ओके, तो नेहल, आप सैनिक स्कूल और स्कूल की तैयारी को कैसे मैनेज किया, क्योंकि जब एग्जाम होता है, एग्जाम जनवरी में होता है ना, तो एग्जाम जनवरी में होता है और उसी समय आपका स्कूल का एग्जाम भी होने वाला होता है, तो उसका आपने कैसे मैनेज किया? एग्जाम के टाइम मैंने तो थोड़ा सा ज्यादा फोकस एग्जाम को दिया, फिर जब एग्जाम ओवर हो गया तो मैंने पूरा फोकस अपने सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन पे। ओके, तो इसमें आपका 4 सब्जेक्ट होता है, जैसे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, जैसे मैथ्स हो गया, जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, और रीजनिंग हो गया। तो इनमें से आप किस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस किए? मैंने मैथ्स को ज्यादा फोकस किया क्योंकि उसमें 50 क्वेश्चंस रहते हैं जो कि थोड़े ट्रिकी और जल्दी होते हैं, तो मैंने उस पे ज्यादा फोकस किया। ओके, तो इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? ओके नेहल, तो जो अभी जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं उसको आप क्या मार्गदर्शन देना चाहोगे, कुछ बताना चाहोगे? हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि मैथ में ज़्यादा फोकस दें क्योंकि उसमें 50 क्वेश्चंस रहते हैं और मैथ उसमें कैलकुलेशन फास्ट करना है और हम लोग को पहले मैथ बनाना चाहिए। ओके, वेरी गुड नेहल श्रीवास्तव। नेहल श्रीवास्तव, आप सैनिक स्कूल क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? मैं सैनिक स्कूल इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे एकेडमी के साथ ऑल ओवर पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी चाहिए और मुझे एनडीए पास करके आर्मी ऑफिसर भी बनना है। ओके, तो नेहल श्रीवास्तव, कि आपको कब लगा कि आपको सैनिक स्कूल एग्जाम में जाना है, एनडीए की तैयारी करना है? मैं पहले तो मेरे पापा ने बताया कि सैनिक स्कूल एग्जाम पास करने से सैनिक स्कूल में उसी फॉर्मेट में एनडीए के फॉर्मेट में पढ़ाया जाता है और मेरे को बचपन से ही मन था कि मैं सैनिक मिलिट्री में जाऊँ, तो इसलिए मैंने टीवी में भी देखा था बहुत सारे कि नल है ऐसा, तो मैं इसलिए एनडीए पास करके आ गया। ओके नेहा, जब आपको पता चला कि आप फर्स्ट रैंक लाए हैं और ऑल ओवर इंडिया में सातवां रैंक, तो आपको कैसा लगा? क्या सभी तरफ से, चाहे आपके घर हो, ट्यूशन से, चाहे आपके कॉलोनी वाले हो, स्कूल वाले हो, क्या बधाइयां आया, क्या बोले उन लोगों का, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सब लोगों ने तो पहले मुझे एकदम से कांग्रेचुलेशन, पार्टी पार्टी सब हुआ और हम लोगों ने मिठाई भी बांटी और ऐसे ही। तो हम आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हैं, ठीक है, और इसी तरह आप अपने भविष्य में आगे की आप जितने भी आपका एग्जाम है, जो भी है, आप जो बनना चाहते हैं वहां तक आप इसी तरह आगे बढ़ते रहिए।